फेनी रेलवे मजदूर यूनियन के बैनर तले रेलवे के निजीकरण के विरोध में गुरुवार को यांत्रिक कारखाना गोरखपुर से एक चेतावनी रैली महामंत्री केवल गुप्ता के नेतृत्व में चल रही काली मंदिर रेलवे स्टेशन होते हुए महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष संपन्न हुई। फेनी रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा निकाले गए रेलवे के निजीकरण विरोध रैली में रेलवे कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर फेनी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री कन्हैया लाल गुप्ता ने बताया कि अंधाधुंध निजीकरण एवं निगमीकरण पर रोक लगाया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में फेनी रेलवे मजदूर यूनियन के पर अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर गौरव पुन्नी से बात करते हुए फेनी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री कन्हैया लाल गुप्ता ने कहा, केएल गुप्ता है, ऑल इंडिया रेलवे के ज्वाइंट सेक्रेटरी है और एनी रेलवे मजदूर के महामंत्री हैं। ये आज का आंदोलन ऑल इंडिया रेलवे संगठन के आह्वान पर हुआ है। ये इसका पखवाड़ा मनाया जा रहा है 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, आज टर्मिनल डेट है। इसे आज में ये रैली प्रदर्शन रैली निकाल करके सरकार पर दबाव डालने के लिए ये आज का प्रोग्राम है, जो वो पखवाड़ा में अंतिम प्रोग्राम है 29। इसके बाद भी आवश्यकता पड़ा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन अपना वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाने वाली है, उसमें अगला जो रणनीति तय होगा वो ऐलान किया जाएगा और वो विकराल आंदोलन के शक्ल में होगा।